हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होंगे आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आलू गोभी की सब्जी बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमने बर्तन लिया, हमने कढ़ाई ली है और उसको चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया और हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है और उसके अंदर हमने तेल डाल दिया। अब इसके अंदर हम गोभी को फ्राई करेंगे। ये देखिए हम अपनी गोभी डाल रहे हैं। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों हमारे गोभी गोल्डन कलर की हो चुके हैं, अब हम इनको निकालेंगे। निकाल अब हम इसके अंदर आलू को फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने आलू लंबे लंबे आलू हमने काटे हैं, उसको अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक। रुक रहे। देखिए दोस्तों हमारे आलू गोल्डन कलर के हो चुके हैं, अब इनको हम बाहर निकालेंगे। अब जो बचा हुआ तेल है इसके अंदर हम तड़के के लिए डालेंगे। ये देखिए हमने तेज पत्ता डाल दिया, अब इसके अंदर हम जीरा डालने जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों हमने जीरा डाल दिया इसके अंदर। ये थोड़े से हम कलौंजी डाल दिए, इससे और अच्छा फ्लेवर आता है। ये हमने काली वाली कलौंजी डाल दी है। अब इसके अंदर हम कद्दूकस की प्याज डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम गोल्डन कलर आने तक अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और फ्राई करेंगे प्याज को। देखिए दोस्तों हमारे प्याज गोल्डन कलर के हो चुके हैं, अब इसके अंदर हम टमाटर की प्यूरी डालेंगे। ये भी हमारी प्यूरी, इस प्यूरी के अंदर हमने टमाटर लिए हैं, हरी मिर्च है, अदरक है, लहसुन है और इसके अंदर हमने मसाले भी ऐड किए हैं। लाल मिर्च और धनिया का पाउडर हमने ऐड किया, उनको अच्छे से प्यूरी बना लिया उनको। अब उस प्यूरी को हमने प्याज के अंदर डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम हल्दी को डालेंगे। देखिए दोस्तों हमने इसके अंदर हल्दी डाल दी। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे। ये देखिए दोस्तों हमने इसके अंदर नमक डाल दिया। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों इसके अंदर हम हींग को डाल रहे हैं। देखिए हम हींग ऐड कर रहे हैं, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप डाल सकते हैं और नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। दोस्तों इस टमाटर की प्यूरी को हम तब तक पकाएंगे तब तक ये साइड से थोड़ा सा तेल ना छोड़ दें। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हम ये मेथी पत्ता ऐड करेंगे। वाह वाह क्या खुशबू है, वाह वाह। तब इसके अंदर हम गरम मसाला डाल रहे हैं। देखिए हमने ये गरम मसाला लिया और डाल दिया इसके अंदर। इन मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, अब थोड़ा सा इसको हम ढक देंगे थोड़ा पक जाए। देखिए दोस्तों हमारे टमाटर पके हुए लग रहे हैं, अब इसके अंदर हम दही डालेंगे। देखिए हमने ये दही फेंटी हुई दही है, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे डाल के। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। और हमारे टमाटर पक चुके हैं और अच्छे से इन्होंने तेल छोड़ दिया। अब इसके अंदर हमने जो हमने आलू को भी तले उसको अच्छे से हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया। उनको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। दोस्तों अब इसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं।
अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम कवर कर देंगे इसको, पकाएंगे इसको, थोड़ी देर पकाएंगे धीमी आंच पे। थोड़ी देर हो चुकी है, अब हम थोड़ी चेक कर लेते हैं हमारी सब्जी का क्या हाल है। देखिए तो इसको अच्छे से चला भी देंगे अभी। सब टच करके दिखाऊं दोस्तों, अभी हमारी सब्जी थोड़ी कच्ची से थोड़ा उसको और टाइम पकने देंगे और थोड़ा और तरी को गाढ़ा बनाएंगे। इसे हम थोड़ा और देर पकने देंगे, इसलिए हमने इसको ढक के रख दिया। दोस्तों थोड़ी देर हो चुकी है, अब देख लेते हैं हमारी सब्जी का क्या हाल है। देखिए दोस्तों हमारी सब्जी, हमारी सब्जी अब पकी हुई लग रही है और उसकी ग्रेवी भी एकदम गाढ़ी गाढ़ी हो गई है। हमें ऐसी गाढ़ी सब्जी चाहिए थी। और हम आलू को चेक कर लेते हैं, आलू हमारे हुए कि नहीं। देखिए दोस्तों हमारे आलू भी एकदम हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों हमने फ्लेम बंद कर दिया और हमारी सब्जी आलू गोभी एकदम परफेक्ट सब्जी बन के तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म खाइएगा रोटी चावल के साथ, बहुत स्वादिष्ट होती खाने में। और आप हमें कमेंट करके बताइए वो कैसे लगी। चलिए दोस्तों बाय बाय दोस्तों, फिर नई रेसिपी के साथ मिलेंगे दोस्तों। शुभ रात्रि दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।